अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्र महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी विशाल बिरला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों द्वारा आज अंबेडकर चौक से उपजिला अधिकारी कार्यालय तक अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई और उपजिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। वहीं रैली नगरपालिका परिषद मसूरी पहुंची, जहां पर अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को ज्ञापन देकर मांगे पूरी करने की बात कही गई। ज्ञापन में कहा गया कि सफाई कर्मचारियों का शोषण होता आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इनके हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन के राष्ट्र महामंत्री विशाल बिरला ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का शुरू से ही शोषण होता आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भी सफाई कर्मचारियों का बीमा नहीं करवाया जाता, क्योंकि लंबे समय तक सफाई करने के दौरान वे बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु दर भी अधिक है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी। अच्छा, आपने यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में 22-23 वर्षों से गुलामों की तरह दास प्रथा की तरह कार्य कर रहे हैं, इनको ठेकेदारी समिति, नाला गैंग, रात्रि गैंग, दैनिक मजदूर और मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में अनेकों व्यवस्थाओं के तहत इनका शोषण किया जाता है, वो समाप्त हो, इनका नियमितीकरण हो। इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता है, वो प्रमोशन मिले, पुरानी पेंशन लागू हो, जो इनके आवास हैं या निकाय की भूमि पर अपना मकान बना के रहते हैं उसका मालिकाना हक प्राप्त हो, और जो इन लोगों को पदोन्नति नहीं प्राप्त हो पाती है और कर्मचारियों की संख्या निकायों में कम है, जबकि ये देवभूमि हमारी पर्यटन नगरी है, धार्मिक नगरी है, एजुकेशन हब है, यहाँ पर इतना लोग नहीं रहते जितना बाहर से आते हैं, तो कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। पहले ये आंकड़े थे कि 10,000 पे 50 कर्मचारी रखे जाते थे, अब 10,000 पे 20 कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की कमर टूट जाती है। आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी कंपनी भारत की है, उसने सफाई कर्मचारियों का सामान्य दरों पे बीमा करना बंद कर दिया है। उनका कहना है अगर 3 से 4 गुना ज्यादा प्रीमियम देंगे तब हम इनका बीमा करेंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु दर अधिक है। ये जल्दी इनके इंटरनल ऑर्गन सड़ जाते हैं, इनका लीवर खराब हो जाता है, इनका हार्ट फेल हो जाता है, किडनी इनकी खराब हो जाती है, तो इनकी मृत्यु जल्दी होती है। हम इन लोगों का क्लेम फाइल नहीं कर पाते हैं। 2014 से नगर निकाय के कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का बीमा बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और इन लोगों के SOP बने। एक कर्मचारी से आप मजदूर की तरह, एक बेजुबान जानवर की तरह कार्य ले रहे हैं, ये गलत है। इनकी नियमावली बने, इनको कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, लेकिन ये तब भी नहीं बना रहे। यदि सरकार 1 जनवरी 2024 तक हमारी मांगों पर कार्यवाही नहीं करती है, और जो डॉक्टर ललित मोहन रायल कमेटी आपने बनाई थी सरकार ने, सरकार यदि उस पर निर्णय नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए, हड़ताल के लिए, चक्का जाम के लिए, आत्मदाह के लिए, और जो भी समर्पण सफाई कर्मचारियों का इस यज्ञ में होगा वो अपनी अपनी आहुति देंगे। इस बार अंतिम लड़ाई है, या तो सरकार कह दे कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इस देश के नहीं है, हमने यहाँ जन्म नहीं लिया है, हम एलियन है, इस पृथ्वी से हमारा संबंध नहीं है, या फिर हमें अधिकार में मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी पूरे बिल्कुल भी नहीं रखती है, शोषण हद से ज्यादा है। आप देखिए, अभी कोई VIP मूवमेंट हो जाए 5 बजे निकल जाते हैं, इनके बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, नाश्ता कौन देगा, वेतन बहुत कम है, फैमिली के दोनों तीनों मेंबर जो बालिक है कमाने निकल जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को कहा जाता है VIP मूवमेंट है, रात के 10 बजे तक काम करना है, कोई ओवर टाइम नहीं है, ये बंधवा मजदूर है। क्या हम गुलाम भारत में जी रहे हैं आज भी? तो ये शोषण जानबूझ के किया जा रहा है। अधिकारियों को ये तो चिंता है कि भाई हमारे अलाउंस कैसे मिले, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे चले, हमें एयर टैरिफ कैसे मिले, हम जहाजों में बड़ी गाड़ियां कैसे हमें मिले, पर सफाई कर्मचारी के नीचे अगर साइकिल भी आ जाए, उसे अगर झाड़ू का भत्ता भी दे दिया जाए, तो उसमें भी परेशानी है। शोषण तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विशाल बिरला जी, उनके नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आया था। उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया है, जिसमें जो उनकी मांगे हैं वो शासन स्तर से पूरी की जानी है, तो हमारे द्वारा उस मांग पत्र को निदेशालय को प्रेषित किया जा रहा है। निदेशालय स्तर पर पहले ही इनकी मांगों के संबंध में कार्रवाई चल रही है और इनसे वार्ता करके हो जाएगा, हड़ताल वाली स्थिति नहीं आएगी। नगर पालिका से तो 150 के करीब कर्मचारी हैं, बाकी इनका पूरा स्टेट लेवल का है, तो उसमें काफ़ी कर्मचारी हैं। सर, और भी मांगे हैं इनकी? लोकल स्तर की है, जो नगर पालिका से होनी है, उन पर कार्रवाई हमारी चल रही है। पहले भी इनका प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनमें एक तो इनका था कि जो आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 500 रुपये पर डे मानदेय नहीं मिल रहा है, और दूसरा साप्ताहिक अवकाश का है, तो उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।
Thank you.